तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो गुजिया है वो कितना बढ़िया बना है, कितना परफेक्ट कलर आया है और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और बहुत ही शाइनिंग है इसमें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए अगर आप इस गुजिया को बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत ही ईजिली ट्रिक्स यूज़ करके मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आप ईज़िली घर में कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोने किचन्स में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, और मैंने इसमें बहुत ही अच्छी परफेक्ट रेसिपी, बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर की है कि आप गुजिया, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बहुत ही ईजिली तरीके से आप घर पर कैसे बना सकते हो। मैंने इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया है, और बहुत ही कम सामान में आप यहाँ पर कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आप और भी वीडियोस मेरे विजिट करके देख सकते हो चैनल पे, बहुत सारी मैंने अपलोड की है वीडियो, और भी हलवाई स्टाइल में हर चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं यहाँ पे डालूँगा घी। तो आप देसी घी का यूज़ कर सकते हो, मैं भी देसी घी का ही यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और इसमें हम सूजी भूनना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने यह सूजी लिया है, आधा किलो सूजी है, तो आधा किलो सूजी में मैंने करीब 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर घी डाला है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने घी डाला है, तो 100 ग्राम के करीब होता है। और इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक का भून लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो सूजी है बिल्कुल ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, और ये बस हमें इतना ही ब्राउन चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने ड्राई फ्रूट कुछ कट करके रखा है हमने। यहाँ पे मैंने पिस्ता, बादाम, और यहाँ पे कुछ कोकोनट मैंने यहाँ पर काटा हुआ है, जो सूखा हुआ मार्केट में मिलता है कोकोनट किराने के दुकान पर, तो वहाँ पर मैंने लिया है और उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है मावा। तो गैस के फ्लेम को सूजी को भूनने के बाद बंद कर दीजिए, और उसके बाद आप ड्राई फ्रूट ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद मावा ऐड किया है, मावा में यहाँ पे खोया ऐड किया है मैंने। तो ये खोया ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और इसको भी मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले मैं इसमें शुगर भी डाल लेता हूँ, तो अच्छे से मिक्स करता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है। चीनी का मैं यहाँ पे मेज़रमेंट आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जितना भी मीठा आपको ये स्टफिंग चाहिए, उतना मीठा आप इसको कर सकते हो। तो जितना चाहे हो आप उतना चीनी डाल सकते हो। तो अब जब हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम मैदा गूंदना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैदा हमने गूंदना है, 1 किलो मैदा लिया है मैंने। यहाँ पर 1 किलो मैदे में मैंने 300 ml पानी डाला है, और यहाँ पे मैंने 150 ml के करीब घी डाला है। घी को थोड़ा सा गर्म करके डालें तो और अच्छी बात है। घी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म करके डाला है। तो 150 ml घी है और हमारे पास, और 300 ml पानी। तो इस मैदे को अच्छे से गूंद लेना है। तो गूंदने के बाद, अगर गूंदते टाइम आपको पानी थोड़ा सा कम लगे, तो थोड़ा सा 1-2-3 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और हमें थोड़ा, जो रोटी का आटा हम गूंदते हैं नॉर्मली, उससे थोड़ा सा टाइट रखना है हमने। तो ये हमारा जो मैदा है गूंद के रेडी हो चुका है। अब इसको हम कपड़े से ढक के इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा जो रेस्ट हो चुका है इसका, तो अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो इसको अपने हाथों से प्रेस करके इस टाइप से बेलना है, बस इसके छोटी छोटी पूरियों की तरह इसको अपने रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्टली रेडी करना है, बहुत शेप एकदम एक ही होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए सांचे का यूज़ नहीं कर रहे। आप मार्केट में जो सांचा मिलता है उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने सारे बेल के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें स्टफिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी जो स्टफिंग है, इसको ठंडा करने के बाद ही यूज़ करें, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो ही यूज़ करें। तो अब हमने यहाँ पे लिया है एक शीट इसका पूरी, और इस पर थोड़ा सा पानी लगाया है। पानी इसलिए लगाया है ताकि ये सील पैक करने में बहुत इजी रहे, ताकि अच्छे से सील पैक हो जाए। और यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, मतलब तो 1 चम्मच आप डाल सकते हो। यहाँ पे 1 चम्मच हम इसमें रख दिया, और इसको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से पैक कर देंगे। इसको अच्छे से पैक करने के बाद आप जो भी इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहो, बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 तरह के डिज़ाइन बता देता हूँ कि आप 2-3 तरह के डिज़ाइन, मैं अभी ज़्यादा डिज़ाइन नहीं शेयर कर रहा आपके पास, तो आप 2-3 तरह के डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हो। बहुत सारी तरह के आपको डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को।
तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको अगर और भी डिज़ाइंस इसके देखने हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए और भी डिज़ाइंस इसके बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक डिज़ाइन तो मैंने बना दिया, अब एक दूसरा डिज़ाइन बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए दूसरा डिज़ाइन है, इसको भी सेम इसी तरह से ही करना है, बस थोड़ा सा हम इसमें चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो बिल्कुल अपने उंगलियों से बिल्कुल परफेक्ट ही बनाए, बहुत ही इजी है बनाना इसको। और बस ध्यान रखें कि ये आपका जो गुजिया है ये फटे ना बिल्कुल, अगर बिल्कुल भी फटा हुआ तो यहाँ पे आपका जो स्टफिंग है वो बाहर निकलने लग जाता है। तो ये देखिए जो हमारा ये भी डिज़ाइन है, बहुत ही बढ़िया लगता है ये डिज़ाइन देखने में, और काफ़ी फेमस भी है, घरों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको डिज़ाइंस को बनाने के लिए, और मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये। अब मैं आपको एक डिज़ाइन और बता रहा हूँ, ये हमने दो इस बार यूज़ किया है, तो इसको हम थोड़ा सा गोल बनाएंगे। तो इसको अच्छे से इसमें सील पैक कर देंगे, हम पानी लगा के सील पैक कर रहे हैं ताकि अच्छे से पैक हो जाए। बस अब इसको हम बिल्कुल ऐसे गोल बना देंगे, इसको चंद्रकला भी बोलते हैं मार्केट में, या यूट्यूब पे आपको चंद्रकला सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे इस टाइप से गोल वाले। तो यहाँ पे हमने सारे जो बना के रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। तो मैंने कई तरह के डिज़ाइन यहाँ पे बना के रेडी किए हैं, मैंने आपको दो तीन ही दिखाया है, तो और भी डिज़ाइंस मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए तेल रखा हुआ है यहाँ पे कढ़ाई में, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि तेल का हीट कितना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा डाला, ये इंस्टेंटली ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम अपने गुजिया को डालेंगे, तो धीरे धीरे करके हम यहाँ पर डाल रहे हैं अपना गुजिया। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई करें बिल्कुल अच्छे से, ज़्यादा इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, और बहुत ही परफेक्टली बनता है ये जो रेसिपी है, बहुत बढ़िया लगती है खाने में देखने में। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इस टाइप से हम इसको निकाल देंगे बाहर। तो ये हमारी कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चेंज कर दी है, और इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा बना रहा हूँ। 1 किलो मैदे में आपका 150 से 200 गुजिया आपके बन जाएंगे, 150 गुजिया आराम से बन जाएंगे, 200 तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे फ्राई कर लिया है, इसके बाद हम शुगर सिरप में डिप करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने चीनी लिया है 2 कटोरी एक कढ़ाई में, और 2 कटोरी चीनी लिया है, और 1 कटोरी में यहाँ पे पानी डालूंगा। तो शुगर सिरप बनाना, चाशनी बनानी, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है परफेक्टली कैसे बनाई जाती है, ये मैंने कई वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपने जितना चीनी लेना है उसका आधा पानी लेना है, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ही जो शुगर सिरप है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो बस हमने यहाँ पे 1 कटोरी पानी और 2 कटोरी चीनी डाल दिया, और उसके बाद उबाल आने तक का हम इसका वेट करेंगे। तो हमारा जो शुगर सिरप है वो उबलना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा 1-2 बॉयल हम इसमें उबालेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर यहाँ पे डाला है, और आप इसमें और भी कुछ यूज़ कर सकते हो, मतलब स्मेल के लिए, तो आप यहाँ पे रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद, और उसमें हम डालना स्टार्ट करेंगे अपने गुजिया को, डिप करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक एक करके इसको डिप करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको बस 10 सेकंड से ज़्यादा इसके अंदर मत रखें, ना तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमारी चाशनी बहुत गर्म है। तो 10 से 15 सेकंड ही इसके अंदर रखें, तो ताकि ये जो शुगर सिरप को है वह अब्जॉर्ब कर ले। हमने ज़्यादा इसको मीठा नहीं करना है कि मैं इसको छोड़ दें, इसको छोड़ना नहीं है, इसको बस थोड़ा सा डिप करके हमने बाहर निकाल लेना है, ये देखिए इस टाइप से, ताकि ये ज़्यादा मीठा भी ना हो और बढ़िया लगे देखने में। तो ये देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब इसको हम गार्निशिंग के लिए, यहाँ पे मैंने लिया है पिस्ता और बादाम कटे हुए छोटे बारीक बारीक काट लिया मैंने, और ये प्लेट में मैंने सजा के, और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पिस्ता और बादाम से गार्निशिंग की है। तो देखा आपने दोस्तों कितना ईजी है ये बनाना, और बहुत ही परफेक्ट बनता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है, सुपर क्रिस्पी है बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ बिल्कुल, ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, स्टफिंग अंदर से बिल्कुल परफेक्टली भरी हुई है, और इसमें मावा का जो फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको,
कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स बताऊंगा, तो सबसे पहला जो ट्रिक है तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप मैदे में घी डाल रहे होते हो उस टाइम पे मोहन के लिए, तो वहाँ पे आप देखिए कि अगर आपका जो 150 ग्राम घी वहाँ पर डालना है 1 किलो में, तो अगर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल रहे हो या ज़्यादा कम डाल रहे हो, तो अगर आप कम डालोगे तो आपका जो गुजिया है वो थोड़ा सा टाइट होगा, और अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो थोड़ा ज़्यादा ही खस्ता हो जाएगा। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि ना ज़्यादा डालें ना कम डालें, परफेक्ट डालना है तो परफेक्ट ही डालें, और ज़्यादा खस्ता रखना है तो फिर ज़्यादा ही डाल देना। और दूसरा जो ट्रिक्स है, अगर आप इसको फ्राई कर रहे हो तो जो आपके तेल की जो हीट है, जो गैस का फ्लेम है, वो बहुत ज़्यादा हीट तेल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो उस पर जो देखा आपने कि बबल्स होते हैं, तो कई बार उसके ऊपर जो बबल्स बन जाते हैं तो वो बबल्स से उसके ऊपर बन जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा हीट तेल की नहीं होनी चाहिए। और गाइस जब आप चाशनी बना रहे हो तो चाशनी आपकी यह ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हुई तो बहुत मीठा मीठा और चिपचिपा सा लगेगा, और बहुत ज़्यादा पतली हुई तो वो सॉफ्ट कर देगा। तो इसलिए ध्यान रखें, जितना मैंने बताया जितना आप चीनी ले रहे हो उसका आधा ही पानी ले, उससे ना कम ना ज़्यादा। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो गुजिया है बहुत परफेक्ट रहे बनेगा। नेक्स्ट जो है, अगर आप फ्राई करने के लिए तेल को गर्म कर रहे हो तो वहाँ पर अगर जितना गर्म चाहिए उतना गर्म, अगर आपका तेल नहीं है उससे बहुत कम गर्म है या बहुत ही ठंडे तेल में आपने बिल्कुल उसको डाल दिया है, तो आपका जो गुजिया है वो फट जाएगा और उसका जो सील है वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, तो आपकी जो स्टफिंग है वो बाहर निकल के तेल में ही फैल जाएगी। और ध्यान रखें जो आप फ्राई कर रहे हो तो उसको एक ही बार में ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा डालने से जो तेल का टेम्परेचर होता है, उसका हीट होता है, वो बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत कम होने की वजह से वो जो गुजिया है आपको बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, फूला फूला सा बहुत ज़्यादा बनेगा, तो वो टाइट नहीं रहेगा और उसके ऊपर से पापड़ी बनने स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हमें पापड़ी नहीं चाहिए, पापड़ी वो बाद में टूट जाती है। तो अगर जब आप मैदा गूंद रहे होते हो उस टाइम पे, जब मैदा आप गूंदोगे तो उसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया या टाइट नहीं रखा मैदे को, तो वहाँ पे आपका जो जो आपका गुजिया है वो बहुत ही ज़्यादा ढीला ढीला सा बनेगा और वो पापड़ी सी बनेगी, वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा जो क्रिस्पीनेस होनी चाहिए उसमें। तो पापड़ी हमने नहीं खानी, वहाँ पे क्रिस्पी हमें चाहिए, तो इसलिए पानी भी मेजरमेंट के हिसाब से डालें, जितना मैंने बताया है उतना ही डालें। तो बस ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है गुजिया बनाते टाइम, और आप इसको 15 से 20 दिन आप स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे ख़राब नहीं होता। अगर आप बिना चाशनी लगाए इसके ऊपर स्टोर करते हो तो और भी ज़्यादा दिन ये चल सकता है, या और भी ज़्यादा दिन तक इसको खा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए।